नमस्कार। सबसे पहले तो रोशनी दर्शन के जो भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। जितने भी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो हमारी इस विधानसभा में रहते हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनके बच्चे उन्हें छोड़ के चले गए, वो अकेले हैं या वो इतने गरीब हैं कि वो खाने का अरेंजमेंट नहीं कर पाते, अर्जन नहीं कर पाते या फिर वो खाना नहीं बना सकते, इतने बुज़ुर्ग हैं, ऐसे बुज़ुर्गों को रब कुछ रामलीला कमेटी सुबह और शाम खाना मुफ्त में पहुँचा के देती थी। कोरोना के कारण इस कार्यक्रम को रोक दिया गया था क्योंकि DM के ऑर्डर थे कि अगर कुछ होगा तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये कार्यक्रम फिर से दोबारा शुरू करने जा रहे हैं तो हमारी कोशिश है कि इस कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। और आप लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूँ जो उसको देख रहे हैं, जो जनकपुरी के रहने वाले लोग सब देख रहे हैं, ऐसे कोई भी बुज़ुर्ग आपके क्षेत्र में हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, 60 साल से ऊपर की एज है या वो उनके बच्चे छोड़ के चले गए या वो इतने गरीब हैं कि वो अरेंज नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड कराएं, हम उनको मुफ्त खाना सुबह और शाम उनके घर पहुँचा के देंगे। लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से ये है। मैं लव कुश रामलीला कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी लव कुश रामलीला कमेटी के सभी सदस्य और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और वो ऐसी सेवा करते रहें। जय। रामलीला कमेटी का जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम रामलीला कराएं, मेन है मकसद लोगों के घर में खाना पहुंचाना। ऐसे बुज़ुर्ग जिनके बच्चे उन्हें छोड़ गए हैं या उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, फाइनेंशियली वीक हैं या उनके पास ऐसी स्थिति नहीं है खाना बना सकें, उनको लव कुश रामलीला कमेटी शुरुआत से 2 साल तक जो कोरोना से पहले हम लोगों ने खाना दिया, दोनों टाइम खाना पहुँचा के घर पर देते थे सुबह शाम। और उसके बाद कोरोना आ गया तो DM साहब की तरफ से मनाई हुई कि भैया कोरोना है तो आप खाना ना दें, तो उसके बाद खाना हमारा बंद हो गया। उसके बाद जब कोरोना शुरू हुआ तो हमने शुरुआत की थी मात्र 1000 आदमियों से खाना बना के देने की। उसके बाद बढ़ते बढ़ते हमें नहीं मालूम है, प्रभु राम की कृपा थी, 15000 आदमी का खाना रोज जनता के सौजन्य से, जनता की सेवा से बन के जाता था और 50 से ऊपर पॉइंट थे इस पर खाना बढ़ता था। और यहाँ जितने लोग खड़े हैं लोग, इन लोगों ने बहुत सहयोग किया। और सहयोग ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी पैसे से करे, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं इसमें, यहाँ पे भी काफ़ी लोग खड़े हैं जिन्होंने जो हमारे अलग अलग पॉइंट्स थे, 50 से ऊपर पॉइंट्स थे जहाँ पे खाना हम लोग देते थे। और खाना भी हम लोग जो है सबसे पहले भगवान को भोग लगाते थे, उसके बाद ही वो खाना प्रसाद के तौर पर जाता था। और यही वजह थी कि हमारे 50 से ऊपर पॉइंट और खाना बनाने वाले कम से कम 15-20 आदमी, और उसके बाद जो है पॉइंट जहाँ पर बढ़ रहा है खाना, इतनी जगह पे कोरोना फैला हुआ था लेकिन किसी भी व्यक्ति को कोरोना ने छुआ तक नहीं, ये प्रभु राम की कृपा थी। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर आप निस्वार्थ बढ़िया ढंग से काम करते हैं तो भगवान आपके साथ खड़ा होता है। हम लोग सिर्फ नौकर हैं यहाँ पे, हमारे को मेहनताना मिलेगा, दो दो पूड़ी खा के जाएंगे, यही हमारा मेहनताना है। हम लोग लगे हुए हैं और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं दर्शन दीवान जी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, ये गुप्ता जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, ये हमारे पदाधिकारी हैं, ये देखते हैं हमारा स्टेज वगैरह कार्यक्रम, सतीश यादव जी, एक टीम वर्क है जी। सबकी इच्छा थी कि हम कुछ करें लेकिन अलग अलग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अकेला चना जो है भाड़ को नहीं फोड़ सकता। अब सब लोग मिल गए हैं, ग्रुप बन गया है, सबकी सेवा चल रही है। हमारे लव कुश रामलीला की कमेटी जो है उसके संरक्षक जो हैं वो श्री राजेश ऋषि जी MLA हैं जो जनकपुरी से, वो हमारे संरक्षक हैं और वो हमारे को बैकबोन की तरह काम करते हैं। हमारे साथ में हमारे बहुत से और संरक्षक भी ऐसे संरक्षक हैं, उसमें सुरेश जिंदल जी हैं, उसके बाद क्या नाम है गोयल साहब हैं, मतलब बहुत लोग हैं। आपने क्या नाम है जो है हमारी रामलीला कमेटी को आगे लाने की कोशिश की और हमारा सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारी लव कुश रामलीला कमेटी है ये हमारे MLA साहब के मन में बैठे बैठे आई, क्यों ना कि मैं जनता की सेवा करता हूँ तो कुछ बुज़ुर्गों की सेवा भी करूँ, उसी को लेकर उन्होंने अपने मन में रखी और एक संस्था बनाई लव कुश रामलीला कमेटी, जो बुज़ुर्गों को भोजन की व्यवस्था कराती थी, गरीबों की सहायता करती थी। और कोरोना काल में जिसने पूरा सहयोग दिया वो MLA राजेश ऋषि हैं, जिन्होंने इस कमेटी को आगे बढ़ाया और उन्हीं के संरक्षक के रूप में ये कमेटी आगे चलती रही। उन्हीं के विश्वास में और आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ पर इस भंडारे में सम्मिलित हो रहे हैं। लव कुश रामलीला कमेटी पिछले कई सालों से जनकपुरी विधानसभा में काम कर रही है, भंडारे का काम चल रहा है, ज़्यादातर तो भंडारा ही किया है लव कुश रामलीला कमेटी ने। हमने ये लालू कृष्ण कमेटी बनाई थी बुज़ुर्गों को भोजन देने के लिए। हमने शुरू में जब बनाई तो 2 साल हमने लगातार करीब 200 लोगों को भोजन निःशुल्क पहुँचाया। उसके बाद कोरोना आ गया, हम लोगों ने उस समय फिर हमें रोकना पड़ा, लेकिन हमने राशन ड्राई राशन उस समय भी बांटते रहे, भंडारा उस समय करते रहे। हम अभी भी हम टाइम टू पे भंडारा करते हैं। अभी दो साल हमने कांवड़ शिविर लगाया, ये अभी पिछले साल रामलीला की हमने, अब इस नए साल नया अभी जो समय शुरू हो रहा है इसमें हम फर्स्ट भंडारा कर रहे हैं।
रामनवमी के उपलक्ष्य में, रामनवमी में संडे नहीं था, आज संडे है, इसलिए शोभा यात्रा जनकपुरी महासंघ की ओर से निकल रही है। हम महासंघ वालों को स्वागत करने के लिए भंडारा कर रहे हैं। धन्यवाद।